गाइज, अगर आप भी वन मंथ में अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर जब आपकी ब्रेस्ट सैग हो गई है उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, टोन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आज की मेरी इस वीडियो में बताई गई सारी एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है। एक महीने बाद का क्या रिजल्ट रहेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अभी आप में से किस किस ने इस वीडियो को फॉलो करा #ishabehra जरूर मेंशन कर देना। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे भी प्यार दे सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishabehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ आई। गाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको वाटर बॉटल लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इस तरीके से क्रॉस उसको लेकर जाना है, पहले अप साइड फिर डाउन साइड इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से बॉटल को मूव करते हैं, ठीक है, तो इससे आपका ब्रेस्ट आप देखेंगे एकदम जॉइंट होता है, अपलिफ्ट होता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हमें करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं हमें 2 सेट्स। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको वाटर बॉटल को इस तरीके से आगे रखना है, देन उसके बाद बैक साइड पे लेके जाना है, फिर अगेन फ्रंट पर लाना है। जब आप बैक पे स्ट्रेच करेंगे तो आपको पूरा अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है बैक साइड पे, जिससे कि आपका ब्रेस्ट पूरा अपलिफ्ट होगा, ठीक है, और वहाँ की मसल स्ट्रेच होंगी और ऑटोमेटिकली जो आपकी ब्रेस्ट सैग कर गई है वो अपलिफ्ट हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो साइज भी इंक्रीज होगा आपका, मतलब ब्रेस्ट जो है वो टोन हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 20 टाइम्स आपको उसको करना है और इसके करने हैं आपने 3 सेट्स। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से वाटर बॉटल को अपने चेस्ट के पास रखना है, ठीक है, उसके बाद में आपने इसको फ्रंट लेकर आना है, अप साइड लेकर जाना है, अप साइड जब आप करें तो पूरा स्ट्रेच करना है, इससे आप देख रहे हैं आपका ब्रेस्ट पूरा अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में आपने स्ट्रेट करना है, देन बैक, फिर अदर वाटर को आपने स्ट्रेच करना है, फिर अप साइड लेकर जाना है, स्ट्रेट देन बैक, ठीक है। 20 टाइम्स आपको उसको फॉलो करना है और करने हैं इसके आपने 3 सेट्स। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। गाइस, अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इसमें भी आपको वाटर बॉटल का अगेन यूज करना है, ठीक है। इसमें आपने वाटर बॉटल को इस तरीके से ज्वाइन करना है, देन आपने ओपन करना है, अब फिर अपने हैंड को आपने ज्वाइन करना है, देन ओपन करना है, ठीक है, 20 टाइम्स और इसके करने हैं हमें 3 सेट्स। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। गाइस, अब आगे अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको एक वाटर बॉटल का इस्तेमाल करना है, आप 1 लीटर की ले लीजिए। सारी एक्सरसाइज पहले आप 1-1 लीटर की बॉटल से परफॉर्म करें, फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2-3 डेज बाद आपने 2-2 लीटर्स की बॉटल लेनी है और फिर उनसे आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। हो सके तो आप वेट भी ले सकते हैं, डंबल ज्यादा आपको कंफर्टेबल भी होगा और आपका जल्दी मसल टोन होता है वेट लेने से, ठीक है। तो आपने दोनों साइड से इस तरीके से बॉटल को होल्ड करना है और ऐसे करके रोटेट करना है पूरा पीछे की तरफ ले जाकर, जिससे आप देख सकते हैं आपका ब्रेस्ट पूरा एंगेज हो रहा है इसमें, ब्रेस्ट मसल, ठीक है, और इससे आपका ब्रेस्ट बहुत जल्दी अपलिफ्ट हो जाएगा और टोन हो जाएगा, ठीक है। तो 20 टाइम्स आपको इसको परफॉर्म करना है और इसके करने हैं आपने 3 सेट्स। पहले मैं क्लॉकवाइज करूंगी 20 टाइम और उसके बाद मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाऊंगी।
अब हम करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरी चैनल पे लाइक करें, जमकर शेयर करें और इन एक्सरसाइजेस को कभी भी फॉलो कर सकते हो, चाहे आपने खाना खा रखा हो या नहीं खा रखा हो, किचन में कोई काम कर रहे हो, कपड़े वॉश कर रहे हो तो भी फ्री टाइम में जैसे वॉश हो रहे हैं तो भी आप इनको कर सकते हो, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भी कर सकते हो, सुबह हो शाम हो रात हो जब आपके पास टाइम है तब वर्कआउट करो, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो इतना सारा प्यार जो आप दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।